स्टूडेंट सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। और जिसने भी अपने आप को पनिश करना शुरू कर दिया उसको फिर कोई दूसरा पनिश नहीं कर सकता। तो तीन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से, डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। और हमारे समाज में एक बड़ी अच्छी चीज है, इट्स अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड व्हेन आई से इंडिया इट इंक्लूड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड नॉर्थ ईस्ट टू गुजरात। वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे, वो हम सब में है। हमें किसी चीज को वायलेट करने में बड़ा मजा आता है। जैसे मास्क लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, तो वो नहीं लगाना हमारे लिए प्राइड वाली फीलिंग। जैसे इफ यू डू दिस इन जर्मनी तो वहां का आदमी बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करता है। जैसे अगर आपको किसी ने वहां टोक दिया जर्मनी में कि सर यू आर नॉट वेयरिंग योर मास्क, तो ही विल दैट पर्सन विल पे द फाइन बाय हिमसेल्फ। इन जर्मनी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट। जैसे आपने प्लान बनाया कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो हिंदुस्तान का आदमी 2 ही पढ़ेगा, फिर वो एक्सक्यूज बना लेगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन जर्मनी का आदमी अगर 8 घंटे पढ़ेगा, तो आई टेल यू अ वेरी गुड थिंग अबाउट जर्मन्स, मैं तो वहां बर्लिन में था करीब 2 साल, दे गिव सेल्फ पनिशमेंट। वो 50 किलोमीटर वॉक कर देंगे। और जिसने भी अपने आप को पनिश करना शुरू कर दिया उसको फिर कोई दूसरा पनिश नहीं कर सकता। दैट इज वाई इंडियंस हैव ऑलवेज बीन रूल्ड बाय अदर्स, जर्मन्स हैव नेवर बीन रूल्ड बाय एनीवन टिल 1871 जर्मनी वॉज बॉर्न एज अ नेशन। उससे पहले तो जर्मनी था ही नहीं। ये हिटलर कहता था, दिस वॉज द वेरी फेमस लाइन ऑफ एडॉल्फ हिटलर, कि जर्मन्स आर नॉट बॉर्न टू बी रूल्ड, बिकॉज जर्मन्स आर द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हु नोज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट।